महाराष्ट्र में कोरोना कहर बरपा रहा है। चुनौती यह है कि बढ़ते संक्रमण को कैसे रोका जाए। सरकार पर जिम्मेदारी है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाए, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं वही नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे तो कोरोना से कौन बचाएगा। बड़ी खबर महाराष्ट्र के पंढरपुर से है, जहां एनसीपी में एक स्थानीय नेता की एंट्री को लेकर कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दूसरे नेताओं के साथ बैठे थे और हॉल में भीड़ खचाखच भरी हुई थी। ना दो गज की दूरी थी और ना ही सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। ये तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं आपको दिखाने क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट है। जिस तरीके से वहां मामलों में तेजी आई है उसको देखते हुए ये तस्वीरें चिंताजनक भी हैं, और कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल होना, इतनी भीड़ का जुटना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना। सवाल अजीत पवार से भी जरूर पूछा जाएगा कि आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, जब आप नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं तो आम जनता से फिर क्या उम्मीद की जाए। जिन नेताओं को नजीर पेश करनी है इस समय, वही वो नजीर पेश नहीं कर रहे हैं, और सारे जो प्रतिबंध हैं, जो नियम हैं, कायदे कानून, वो सिर्फ आम जनता के लिए हैं। तो ये दो तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं आपके सामने। मंच पर अजीत पवार तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन सामने कार्यकर्ताओं की भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग दिख नहीं रही है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता भी हैं आप देख सकते हैं जिनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है, बल्कि अजीत पवार के बराबर में ही जो नेता बैठे हुए हैं वो इस समय पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं, मास्क उनके चेहरे पर भी नहीं है। और देखिए दूसरे जो नेता बैठे हुए हैं उन्होंने भी मास्क अपना नीचे किया। तो इस तरीके से जो लापरवाही बरती जा रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब सभी के लिए जरूर है। अब महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी के निशाने पर है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पूछा है कि क्या उद्धव ठाकरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर कार्रवाई करेंगे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में कल्याण काले का एनसीपी में प्रवेश हो रहा है और पंढरपुर में जबरदस्त भीड़ जो है देखने को मिल रही है। इसको लेकर अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल है। पाटिल साहब, प्रोटोकॉल्स केवल आम आदमी के लिए है क्या? प्रोटोकॉल केवल आम आदमी के लिए है? उद्धव जी इस पर नापसंदी भी व्यक्त नहीं करेंगे क्योंकि अजीत पवार से पंगा उनको लेना नहीं है। तो चाहे वो संजय राठौड़ ने जो भीड़ इकट्ठी की थी, अजीत पवार जी ने 15 दिन पहले पंढरपुर में ही की थी, और आज अजीत पवार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसका अर्थ अजीत पवार इस मानसिकता में, अरे जाओ जो करना है करो। अभी अभी शरद पवार जी ने भी फेसबुक लाइव पर आह्वान किया है, लेकिन शायद वो उन्होंने सुना नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या इस मामले में अब मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए? मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, करेंगे कैसे? हिम्मत लगती है ना भाई, अजीत पवार पर कार्रवाई करने के लिए हिम्मत लगती है। संजय राठौड़ के मामले में भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने पोहरा देवी में बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया था, तब भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी थी। इस वक्त भी इसी तरह का होता हुआ दिख रहा है, उस वक्त तो नाराजी व्यक्त की थी। आपको लगता है कि इस बार नाराजी व्यक्त करने के अलावा भी कुछ करना? उस समय नाराजी भी व्यक्त की, बाद में उनका इस्तीफा भी दिया। यहाँ इस्तीफा विस्तीफा लंबा दूर, नाराजी भी नहीं व्यक्त करेंगे, हिम्मत नहीं है उद्धव जी में। दूसरा एक सवाल कि राज्य में करीब करीब रोज 60,000 के करीब अब मामले जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, कितना चिंता का विषय है? बीजेपी इसको कैसे देख रही है और क्या सरकार ये पूरी सिचुएशन हैंडल करने में कामयाब हो पा रही? ब्राजील में हर रोज है 82,000, अमेरिका में 62 और महाराष्ट्र में 55,000। तो ब्राजील और अमेरिका से भी ज़्यादा महाराष्ट्र में पेशेंट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और सरकार इस पर लॉकडाउन, लॉकडाउन एक मार्ग है कि नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के पहले लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। मोदी जी ने लॉकडाउन लगाने के पहले 9 महीने का रेशन फ्री दिया, 80 करोड़ पीपल्स। तो ऐसा कोई ये देंगे नहीं और लॉकडाउन करेंगे, और लॉकडाउन में भी ये अजीत पवार जी जैसा बड़ा सम्मेलन करके धज्जियां उड़ाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े मुंबई से मुझसे जुड़ रहे हैं। रौनक कुकड़े, जब उप मुख्यमंत्री ही नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखेंगे, लापरवाही उन्हीं के द्वारा बरती जाएगी, जिन्हें नजीर पेश करनी चाहिए वही इस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद? ये निश्चित तौर पर अब यही सवाल जो है वो महाविकास आघाड़ी के सरकार में शामिल सभी नेताओं से जो है वो पूछा जा रहा है। मुख्य तौर पर अगर आप शुभना देखें तो जिस तरह के प्रोटोकॉल बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बनाए हैं, उसमें शादियों में 50 से ज़्यादा लोगों को आने पर
पाबंदी है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी, इस तरह के कड़े नियम है। लेकिन अगर इस तरह के जब राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, और आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक सामाजिक सभी तरह के प्रोग्राम पर राज्य सरकार ने जो है वो रोक लगा रखी है, उसके बावजूद इस तरह के कार्यक्रम जो है अगर उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और जवाब जो है मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। क्योंकि क्या नियम कायदे केवल आम आदमी के लिए है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर बनकर उभरता हुआ दिख रहा है। और देखना दिलचस्प होगा कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर क्या भूमिका लेते हैं वो। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुकड़े, आप नजर बना के रखिए क्योंकि एक बार फिर उद्धव ठाकरे सवालों के घेरे में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।